ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट द नॉलेज बुक ने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानने वाले हो जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। नंबर 5, मैगन मैगी। आज की बिजी लाइफ में फिट रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, जिसमें ज़्यादातर अनहेल्दी फास्ट फूड होता है, जिसे खाने के बाद इंसान की हेल्थ बिगड़ जाती है। ऐसा ही कुछ मैगन के साथ भी हुआ। मैगन की उम्र 26 साल है और ये यूके की रहने वाली हैं। मैगन जब 19 साल की थी तब वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई और उनका ये रिलेशनशिप 5 साल तक चला। लेकिन कुछ टाइम पहले मैगन का वेट बढ़ना शुरू हो गया और देखते ही देखते मैगन का वेट इतना बढ़ गया कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। मैगन का वज़न 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो गया था, जिसके बाद उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल होती जा रही थी। उनके मोटापे की वजह से उनके बॉयफ्रेंड ने भी उन्हें छोड़ दिया और लोग उन्हें मोटी का चढ़ाया करते थे। इनके इस मोटापे की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया था और वो अपने आप से नफरत करने लगी थी। इस टाइम पर मैगन की एक फ्रेंड जो कि अपना वेट लॉस कर रही थी, उस फ्रेंड ने मैगन को भी अपने साथ वेट लॉस प्रोग्राम में शामिल होने को कहा। मैगन भी दूसरे लोगों की तरह अच्छा दिखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना वेट लॉस करना शुरू कर दिया। इस वेट लॉस के दौरान उन्होंने हाई कैलोरी फूड खाना छोड़ दिया और फास्ट फूड को तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, और जल्द ही उन्होंने अपना 35 से 40 किलोग्राम वेट कम कर लिया और अब वो एक हेल्दी लाइफ जी रही हैं। नंबर 4, हर्बर्ट चावेज। कॉमिक बुक्स और सुपर हीरोज बहुत से लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग सुपर हीरोज के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही फिलीपींस का रहने वाला हर्बर्ट चावेज नाम का एक लड़का भी था, जो कि बचपन से ही सुपरमैन का बहुत बड़ा फैन था, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका पागलपन और बढ़ता गया, इसलिए इसने सुपरमैन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जमा करना शुरू कर दी और यहाँ तक कि इसके पास सुपरमैन का लार्जेस्ट कलेक्शन रखने का ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये सब भी एक हद तक ठीक था, लेकिन इसने हद तो तब पार कर दी जब इसने खुद को सुपरमैन में बदलने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि हर्बर्ट फिलीपींस के रहने वाले थे और वो अमेरिका के सुपरमैन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते थे, इसलिए उन्होंने सुपरमैन की तरह दिखने के लिए कई सर्जरीज करवाई। इसके लिए उन्होंने अपनी नोज, अपने चिन, आइज, चिक बोन्स और लिप्स की सर्जरी करवाई, जिससे कि वो सुपरमैन की तरह दिख सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने सुपरमैन की तरह दिखने के लिए अपने स्किन के अंदर ग्लूटाथिन नाम का एक सब्सटेंस भी इंजेक्ट करवा लिया, जो कि स्किन को गोरा करता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो कि हर्बर्ट कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, और वो है उनकी हाइट। ये सुपरमैन से कई इंच छोटे हैं, लेकिन इनका ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। नंबर 3, मैट क्रोक्सालेस की। मैट क्रोक्सालेस की एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर हैं, जो कि कई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और ये एक वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियन भी रह चुके हैं। जहां लोगों को 100 केजी के वेट्स है बेंच प्रेस लगाने में प्रॉब्लम होती है, वहीं 2009 में मैट ने 335 किलोग्राम वेट्स है बेंच प्रेस लगाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और उस टाइम पर ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन मैट यहाँ पर भी नहीं रुके, इनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते थे, जिसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा वेट लेकर डेड लिफ्ट लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जिसमें उन्होंने 455 किलोग्राम वेट लेकर डेड लिफ्टिंग की थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मैट अपने आप से खुश नहीं थे। उन्हें बचपन से यही लगता था कि वो एक गलत बॉडी में फंस गए हैं, क्योंकि वो अपने आप को अंदर से एक लड़की समझते थे। इसलिए 2015 में उन्होंने खुद को एक लड़की में बदलने का डिसीजन ले लिया और जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी करवा ली और अपने बॉडी पार्ट्स को एक लड़की की तरह करवा लिया। और जेंडर चेंज करवाने के बाद उन्होंने अपना नाम जेनी मारी क्रोक्सालेस की रख लिया। नंबर 2, आनंद अर्नोल्ड। आनंद अर्नोल्ड एक ऐसे इंसान का नाम है जिसे देखकर कोई भी इंस्पायर हो सकता है, क्योंकि इस इंसान ने कैंसर और लकवे जैसी बीमारी को मात दे दी और अपनी लाइफ में एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बना है। आनंद अर्नोल्ड लुधियाना में पैदा हुए थे और ये हमेशा से ही एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे। वो बॉडी बिल्डिंग के एक लेजेंड अर्नोल्ड श्रीवास्तव को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे और उनकी तरह ही अपनी बॉडी बनाना चाहते थे।
इसलिए सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दी और 15 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बॉडी बना ली। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इतनी छोटी एज में ही उन पर परेशानियों का पहाड़ टूटने वाला है। 15 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनकी निचली रीढ़ की हड्डी में कैंसर है और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो उन्हें इसका इलाज करवाना ही होगा। आनंद को लगा कि इस ऑपरेशन को करवाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यह ऑपरेशन करवाना उनको कितना भारी पड़ जाएगा। यह ऑपरेशन करवाने के बाद उनकी बॉडी में लकवा हो गया, उनकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, सिर्फ उनकी उंगलियों में ही हलचल होती थी। जिसके बाद आनंद ने 3 साल तक बेड पर लेटे लेटे अपनी लाइफ गुजारी और 3 साल के लंबे टाइम के बाद उनके पैरों के अलावा उनकी अपर बॉडी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। आनंद अब चल नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ इसी तरह बेड पर लेटे लेटे स्पेंड नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने व्हीलचेयर का यूज़ करना शुरू कर दिया। और व्हीलचेयर पर आने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बॉडी वापस से बनाएंगे, और इसी जुनून के साथ उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया। और बहुत टाइम तक मेहनत करने के बाद उन्होंने एक ऐसी बॉडी बना ली जिसे देखकर कोई भी इंस्पायर हो जाए। और इस फोटो में आप देख ही सकते हो कि उनकी बॉडी काफ़ी हद तक उनकी इंस्पिरेशन अर्नोल्ड श्रीवास्तव जैसी लगती है, जो कि आज हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। नंबर 1, जॉन एलेयर। वेट लॉस करना दुनिया के सबसे मुश्किल काम में से एक है, और अगर आपको बर्गर और स्वीट्स खाने का शौक है तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। ये जो मोटा आदमी आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जॉन एलेयर हैं। जॉन बचपन से ही काफ़ी हेल्दी थे, लेकिन जब जॉन 18 साल के थे तभी उनके फादर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और इसके बाद जल्दी उनकी डेथ भी हो गई, जिससे जॉन को बहुत सदमा लगा। और क्योंकि स्वीट्स खाने से इंसान के टेंशन में काफ़ी रिलीफ मिलता है, इसलिए जॉन जब भी स्वीट्स खाते थे तब उनका टेंशन बहुत ही कम हो जाया करता था। इसलिए ऐसा ही करते करते उन्हें स्वीट्स खाने का एडिक्शन हो गया, और साथ ही साथ उन्हें जंक फूड खाना भी बहुत पसंद था, इसलिए उनका वेट दिन पर दिन बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया जब उनका वेट 350 किलोग्राम हो गया। जॉन ने बताया कि ये टाइम उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। उन्होंने बताया कि वो घर से बाहर तभी जाते थे जब उन्हें कुछ खाने के लिए खरीदना होता था। उन्होंने क्लासेस और कॉलेज भी जाना छोड़ दिया था। वो दिन में 4 बार खाना खाते थे जिसमें सिर्फ फास्ट फूड होता था। जॉन इतने भारी थे कि वो प्लेन में सफ़र नहीं कर पाते थे, और यहाँ तक कि जब वो किसी कुर्सी या फिर सोफे पर बैठते थे तो वो तक के टूट जाया करते थे, और यहाँ तक कि उनके बैठने से 2 टॉयलेट चेयर्स भी टूट चुकी थी। और सिर्फ यही नहीं, जब उन्हें अपना वेट तुलवाना होता था तब कोई भी उनका वेट तोलने के लिए राजी नहीं होता था, इसलिए उन्हें अपना वेट फिश मार्केट में तुलवाना पड़ता था। जॉन ने बताया कि जब वो अपने आप को मिरर में देखते थे तब उन्हें अपने आप से नफरत होती थी, और उनके मुताबिक अब वो एक इंसान की तरह भी नहीं लगते थे। और इन सभी ह्यूमिलेशन की वजह से उनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने सुसाइड करने की सोची, लेकिन उनकी लाइफ में केला थी जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड नहीं की। जब जॉन और केला 12 साल के थे तब से वो एक दूसरे को जानते थे, और जब वो 15 साल के हुए तब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। और जॉन उनके सामने इतने मोटे हुए, लेकिन इतना मोटा होने के बावजूद भी जब जॉन ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तब केला ने उन्हें हाँ कर दी, जिसके बाद जॉन का उनका जवाब सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। इतना मोटा होने के बावजूद भी वो उनसे शादी करना चाहती थी, और यही वो टाइम था जब जॉन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। जॉन को पता था कि अगर केला उनसे शादी कर भी लेंगे तो मोटापे की वजह से उनकी वाइफ को फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों का और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि मोटापे से जॉन को हार्ट अटैक भी आ सकता था। इसलिए उन्होंने अपना वेट लॉस करने की सोची, और शुरुआत में उन्होंने सिर्फ चलना स्टार्ट किया और अपना खाना पूरी तरह से चेंज कर दिया। उन्होंने अपने डाइट से फास्ट फूड और स्वीट्स को पूरी तरह से निकाल दिया, जिससे उनका वेट बहुत तेज़ी से लॉस होना शुरू हो गया। और 1.5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपना 135 किलोग्राम वेट कम कर लिया, लेकिन इतना वेट लॉस करने के बाद उनकी बॉडी पर लूज स्किन बच गई थी, जो कि उनके बहुत ज़्यादा मोटे होने की वजह से ढीली पड़ गई थी। जॉन ने इसके लिए भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव सर्जरी कराई, और अब वो केला के साथ एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, अगर आप गेमिंग की वीडियोस देखने का शौक रखते हैं तो आपको हमारे न्यू गेमिंग चैनल जेजी गेमिंग को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इन सभी लोगों में से किसकी स्टोरी सबसे अच्छी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।